ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री भवद्भ्यो नमः देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् मित्र आज हम लघु सिद्धांत कौमदी की उन्नीसवीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं संधि प्रकरण गत पाठ में हमने आद गुण सूत्र अच्छी प्रकार से उदाहरण सहित पढ़ लिया था समझ लिया था और आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया था अब जब आचार्य वरदराज महाराज जी आद गुण सूत्र पढ़ा करके अगले दिन कक्षा में पढ़ाने आए उन्होंने आसन ग्रहण किया और ईश्वर की प्रार्थना की और फिर विद्यार्थियों से पूछा पाठ समझ में आया विद्यार्थियों ने कहा जी गुरुजी पाठ समझ में आ गया बहुत अच्छी प्रकार से आ गया अब गुरुजी ने पूछा हा विद्यार्थियों आगे जो पाठ पढ़ाया जाना है उस पाठ को देख करके आए इतना ही सुनते आधे से अधिक विद्यार्थियों ने अपना सिर नीचे को लटका लिया और कुछ गिने चुने विद्यार्थियों की नजर गुरुजी से मिली गुरुजी समझ गए और बोले हां भाई पाठ देख के आए तो जो गुरुजी से आंख मिला करके जो बैठे हुए विद्यार्थी थे उन्होंने कहा जी गुरुजी तभी उन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने कहा गुरु जी एक प्रश्न पूछना है वह प्रश्न है कि जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो इत 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 तो बार बार सुनाई पड़ता है हमने अष्टाध्यायी को खोल करके देखा है इत कई बार उसमें आता है जैसे पित आचार्य भरतराज महाराज जी बोले ठीक है जी आज इस पर ही चर्चा कर लेते हैं आचार्य पाणनी महाराज क्या कहते हैं संज्ञा के विषय में तो उन्होंने आचार्य भरतराज महाराज जी ने सूत्र कहा पाणनी आचार्य जी का लघु सिद्धांत कौमुदी संख्या 28 उपदेशे अजनू नासिकै अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय तृतीय पाद का दूसरा सूत्र अब इसकी हम सर्जरी कर लेते हैं तो अब देखिएगा इसमें प्रच्छेद विभक्ति उपदेशे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम अच अच्छा प्रथमा विव्यक्तिवचनांतम आनुनाशिकाह प्रथमा इत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम यह सूत्र है यहां विसर्ग नहीं है क्योंकि वो संधि करके पढ़ा हुआ है संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है जब हम पृथक पृथक पदों को रखेंगे तो यहां विसर्ग रहेगा आप कंफ्यूज मन हो मत होना इसलिए मैंने बता दिया है आप देखिएगा इसका मैं अपनी तरफ से बताता हूं उपदेश उपदेश क्या है कहते यह उपदेश आचार्य पाणनी के पांच उपदेश हैं आचार्य पाणनी के पांच ग्रंथ हैं कौन से बोलिएगा मेरे साथ नंबर एक अष्टाध्यायी नंबर दो पाठ, नंबर तीन उणादि सूत्र नंबर चार गण, गण पाठ के सूत्र और नंबर पांच लिंगानुशासन ये पुस्तकें पांच ग्रंथ हैं आचार्य पाणनी के इनको बोलते हैं उपदेश उपदेश का अर्थ है यहां ये पांच पुस्तकें ठीक है।, है ये हमने समझ लिया अच्छ अच ये प्रत्याहार है अच का अर्थ है स्वर बताइए आपको अनुनासिका अनुनासिक आपको मालूम ही है अनुनासिक अर्थात मुख और नासिका से उच्चरित होने वाला जो वर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं अनुनासिक मुख नासिका वचनो अनुनासिक समझिए और इत बस ये संज्ञा सूत्र है ये तो इत नाम रख रहे हैं यहां पर नाम रखा जा रहा है ये संज्ञा की जा रही है अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी का इसका अर्थ देख लेते फिर और चर्चा कर लेंगे आचार्य वरदराज महाराज जी बोले उपदेशे अनुनासिका अच संय सत्या प्रतिज्ञा आनंद आ गया हमें आनंद आ गया हम समझ गए आपको आनंद नहीं आया अभी थी। ठीक है आइएगा आप देखिए कह करें उपदेशे सप्तमीय तो उपदेशे उपदेश में तो उपदेश का अर्थ क्या मैंने बताया पांच पुस्तकें उन पांच पुस्तकों में कहते हैं अनुनासिक जो अनुनासिक क्या अनुनासिक अच्छ देखिए व्यंजन भी अनुनासिक होता है व्यंजन भी होता है जैसे न न म ये अनुनासिक हैं परंतु तो इन्होंने कहा अच्छ व्यंजन नहीं अच्छ तो कह रहा अनुनाशिक अच्छ अनुनासिक जो स्वर व्यंजन नहीं स्वर इत संज्ञा उसकी संज्ञा होती है उसका नाम रखा गया है जी इत संज्ञा जब आचार्य व्रदराज महाराज जी इतना बोले तो विद्यार्थी तो बहुत प्रसन्न हो गए विद्यार्थी बोले गुरु जी हम तो आज तक संशय में थे इत 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 क्या है हिंदी में इत बोलते हैं जी के भाई इत आ जा इत आ जा इत अर, इत का अर्थ है भाई इधर आ जा हम तो ये कुछ समझ रहे थे पर गुरु जी आपने तो ये बता दिया इत माने ये जो अनुनासिक अच उसको इत बोलते हैं आचार्य पाणिनि जी अब आपकी समझ में आ गया अब शिष्य ने कहा जी गुरु जी हम अष्टाध्यायी देखते हैं उसमें तो हमको कहीं ऐसा अनुनासिक अच तो नहीं दिखता जी हमें अष्टाध्यायी याद कराते हैं तो भी नहीं उस प्रकार का उच्चारण सिखलाया जाता तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले अच्छा देखो विद्यार्थियों लगभग दो ढाई हजार वर्ष पूर्व जब विद्यार्थी लोग अष्टाध्यायी याद करते थे तब उनको अनुनासिक अच सहित उच्चारण कराया करा करके स्मरण कराया जाता था वो परंपरा अब लुप्त हो गई है बोलने में कुछ कठिनाई होने के कारण से और लोग विद्यार्थी भी थोड़े से आलसी और प्रमादी हो गए हैं मेहनत नहीं करना चाहते कम से कम में काम चल जाए जैसे तैसे में काम चल जाए इसलिए उन चिन्हों को चिन्ह अभी हमें दिखते नहीं परंतु आचार्य पाणिनि ने लगाया था आचार्य पाणिनि जी ने अपने शास्त्र में जैसे ये पठ ऐसा पढ़ा हुआ था और ऐसा पढ़ा हुआ था इस प्रकार से धातुएं पड़ी हुई थी ऐसा नहीं पठ व्यक्तायाम वाची एद वृद्ध ऐसा नहीं पठ एधा इस प्रकार का आचार्य पाणिनि ने, ने लिखा था तो विद्यार्थी ने कहा गुरुजी अब क्या करें परंपरा तो लुप्त हो गई अब कैसे हम समझें तो उसके लिए आचार्य व्रद्राज जी महाराज जी ने आगे वाली पंक्ति कह दी जी कहा प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिन कहते हैं पाणनी शास्त्र को माने पाणनी के शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग ये जानने वाले होते हैं कि कहां पर आचार्य पाणिनी ने अच को अनुनासिक किया है और कहा नहीं किया है इस पंक्ति का भी मैं अर्थ आपको खोल करके बतला देता हूं आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं और आप भी कहेंगे कि भाई गुरुजी मजे हुए खिलाड़ी हैं और ये बात माननी पड़ेगी खूब हमने सिर पीटा है व्याकरण में हम क्या बताते हैं आपको 25 साल सिर इसमें खपा रहे हैं आइएगा अब हम इसमें देखते हैं कि प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणनी इसमें क्या क्या है तो अब देखिएगा प्रतिज्ञाते अभ्युपगम्य इति प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा का अर्थ है स्वीकार करना अभ्युपगम स्वीकार स्वीकार्यता भाई स्वीकार करना प्रतिज्ञा भाई ये करना है ये मैंने स्वीकार कर लिया तो क्या प्रतिज्ञाते अभ्युपगम्यते इति प्रतिज्ञा उसको प्रतिज्ञा बोलते हैं बस इतना काफी है अभी आपको कहते हैं अनुनासिकस्य भाव अनुनासिक्यम जो अनुनासिक है जो अनुनासिक आपको बताया हमने अनुनासिक का भाव कहलाता है अनुनासिक्यम अब ये अनुनासिक का भाव क्या है तो बस आपको थोड़ा सा समझा देता हूं जैसे मनुष्य और मनुष्यता क्या है मनुष्य और मनुष्यता इन दो में जो आप अंतर करते हैं वही अंतर यहां पर है अनुनासिक और अनुनासिक पर भाव में शय प्रत्यय होता है तो अनुनासिकम का अर्थ है अनुनासिक का भाव माने अनुनासिक को अनुनासिक जिस कारण से बोलते हैं वो कारण कहलाते हैं अनुनासिक्यम राइट अब आगे चलना है हमको जो आचार बरदराज महाराज जी की पंक्ति की तरफ प्रतिज्ञा अनुनासिकानुना ठीक है प्रतिज्ञा माने स्वीकारता भाई स्वीकार करना हां भाई हम स्वीकार करते हैं इस प्रकार का भाव किसका स्वीकार करना माने अनुनासिकता अनुनासिक है इसके अंदर अनुनासिक गुण है इस भाव को स्वीकार करना ये जिनका जिनका यहां पर है जिनका ये शाम पाणनीया नाम मान पाणिने अर्थात पाणिनेह शास्त्रस्य ते क्या पाणनीया छात्रा हा। उन छात्रों को कहते हैं प्रतिज्ञासिक क्या अब क्या कह रहे हैं आचार्य भ्रदराज जी देखो ये बात पाणिनि शास्त्र को पढ़ने वाले सभी जानते हैं विद्यार्थी कि भाई ये अनुनासिक इत है ये अच अनुनासिक है ये अच निरुनासिक है ये गुरु परंपरा से अब चल रहा है अब नहीं दिखे तो भी कोई परेशानी नहीं है शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते आपको भी आ जाएगा तो इसलिए आप भी पाणनीय छात्र हैं इसलिए आप भी प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणनीया भवंतु आप भी प्रतिज्ञानुनासिक पाणनीय हो बनो तो मित्रों इतनी बात आज हमने इस सूत्र में समझ ली ये बहुत गहरा सूत्र है अभी हम आगे चलेंगे अब इस वीडियो में इस पाठ में हम इतनी चर्चा करेंगे इस सूत्र को आपको अच्छी प्रकार से समझना है यह मैंने पंक्ति को खोल करके समझाया है क्योंकि इसको अध्यापकों के लिए समझाना भी कठिन हो जाता है कठिन इसलिए हो जाता है जब तक हमें इन शब्दों के अंदर क्या प्रत्यय है और इनके अंदर क्या समास है जब तक इसका बोध नहीं होगा तब तक हम पंक्ति का अर्थ नहीं खोल सकते हैं तो मैंने पंक्ति का पूरा अर्थ खोल दिया राइट right? पाणनिया का अर्थ होता है पाणनी के शास्त्रों को पढ़ने वाले छात्र तद्धीते तदवेद जो <laughs> पणनी के शास्त्र को पढ़ते हैं अथवा जानते हैं तो आइए मित्रों अब हम इस पाठ को यही विराम देंगे इसी से और भी जुड़ा हुआ आगे का भाग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे आशा है आप बहुत मन लगा करके परिश्रम से इन पाठों से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ये इतना इसमें बुद्धि का लड़ाना हो रहा है इसी प्रकार से आपको बुद्धि को अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रत्येक व्यवहार में बुद्धि को लड़ाना है केवल शास्त्र में ही नहीं लड़ाना जीवन में जो भी कुछ करते हैं जीवन में जो भी कुछ कार्य करते हैं आप उसके विषय में विचार करना है हजार प्रकार से विचार करना है ये शास्त्र व्याकरण हमको यही तो सिखाता है यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आपकी बुद्धि इतनी कुशाग्र बन जाए इतनी पैनी बन जाए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय में घुस घुस करके तत्व तो को खींच ले बस हो गया सफल आपका पढ़ना और हमारा पढ़ाना आइएगा इतना ही कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं इति ओम शम